2021 की शुरुआत हो चुकी है और गैजेट्स की दुनिया में कुछ नए गैजेट्स का आगाज होने लगा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे न्यूली लॉन्च गैजेट्स के बारे में बताएंगे जो कि इसी साल लॉन्च हुए हैं और काफी ज्यादा धमाल मचा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 10, सोनी एयर पीक ड्रोन। दोस्तों, ड्रोन्स का इस्तेमाल फोटोग्राफी के लिए काफी बड़े स्तर पर आजकल किया जा रहा है, लेकिन हर ड्रोन में उनका एक इनबिल्ट कैमरा होता है जिसकी क्वालिटी कभी तो अच्छी आपको मिल जाती है और ड्रोन आपने ठीक ठाक नहीं लिया तो क्वालिटी भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेगी। तो सोनी इस बात को बहुत अच्छे से समझता है, इसलिए वो आपको एक ऐसा कस्टमाइज ड्रोन अवेलेबल कराता है जहां पर ड्रोन तो सोनी का रहेगा लेकिन कैमरा आप अपनी पसंद का यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट यहां पर आपको सोनी का कैमरा देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें अदर कैमरास को भी लगा सकते हैं क्योंकि यहां पर आपको 3x गिम्बल स्टेबलाइजेशन सिस्टम मिल जाता है जिससे कि फोटोग्राफी करना बहुत आसान हो जाता है। तो अगर आप भी एक ऐसा कस्टमाइजेबल ड्रोन चाहते हो तो इस तरीके का गैजेट आपको काफी पसंद आएगा। नंबर 9, टचलेस वीडियो डोरबेल। दोस्तों, डोरबेल्स तो सभी के घर के बाहर लगी होती हैं जो कि काफी इम्पोर्टेंट चीज होती है घर की, लेकिन कोरोना के इस दौर में डोरबेल को लोग छूने से भी डरने लगे हैं। तो अगर आपके घर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस तरीके की टचलेस डोरबेल को, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है बिना इसे टच किए ही। दोस्तों, इसमें आपको एक मैट मिलती है जिसे कि आपको अपने घर के बाहर रख देना होता है और जैसे ही इस पर कोई खड़ा होगा तो ये डोरबेल अपने आप ही रिंग करती है, यानी इस डोरमैट पर लिखा होता है कि अगर आप डोरबेल दबाना चाहते हैं तो आप इस पर बस खड़े हो जाइए। तो कमाल का ये फीचर रहता है जो कि इस डोरबेल को खास बनाता है, लेकिन इसमें एक सेफ्टी कैमरा भी लगा होता है जिसका इस्तेमाल करके आप ये देख सकते हैं कि आपके घर के बाहर कौन खड़ा है और साथ ही उससे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। इसमें टू वे ऑडियो कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी आपको प्रोवाइड किए होते हैं। तो कमाल की इस तरीके की डोर बेल रहती है जिसके लिए एक लाइक तो मेरे हिसाब से कोरोना के इस दौर में बनता ही है। नंबर 8, गोल जीरो एटी 6000X। दोस्तों, पावर बैकअप का घर पर होना काफी ज्यादा जरूरी होता है जिसके लिए जनरली हम लोग इन्वर्टर्स और जनरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप किसी ट्रैवल पर जा रहे हैं तो ऐसे में ये साधन आपके लिए अवेलेबल नहीं होते। तो अगर आप अपने साथ एक ऐसा पोर्टेबल पावर स्टेशन रखना चाहते हैं जिसका इस्तेमाल आप इमरजेंसी सिचुएशन में कर सके तो ये गैजेट आपके लिए बेहद बेहतरीन रहेगा। दोस्तों, इसमें एक पावरफुल बैटरी होती है जो कि आपके मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह को तो आसानी से चला ही लेगी, साथ ही इसका इस्तेमाल आप छोटे मोटे अप्लायंसेस को चलाने के लिए भी कर सकते हैं। इसमें एसी और डीसी दोनों ही तरीके के पोर्ट होते हैं जिनका इस्तेमाल आप अपनी जरूरत के हिसाब से कर पाएंगे और छोटी मोटी लाइटिंग के लिए भी इस तरीके का गैजेट बेहद कमाल का रहेगा। तो इस तरीके के गैजेट को आप अगर चाहें तो अपनी कार में लेकर ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि साइज में भी कोई खास बड़ा नहीं होता। नंबर 7, रोबोरॉक 7। दोस्तों, आजकल लोग घरों की सफाई के लिए कुछ ऐसे रोबोटिक गैजेट का इस्तेमाल करने लगे हैं जिनसे कि काम और भी आसान हो जाता है, क्योंकि ये गैजेट भी उनमें से कुछ एक ही होता है क्योंकि ये एक तरीके का ऐसा वैक्यूम क्लीनर होता है जिसका इस्तेमाल घर की सिस्टमेटिक क्लीनिंग के लिए किया जा सकता है। ये एक फुली ऑटोमेटेड रोबोट होता है, यानी कि एक बार इसे आप कमरे में छोड़ देते हैं ऑन करके, इसके बाद घर की ये एकदम सिस्टमेटिक क्लीनिंग करता है और जैसे ही इसकी बैटरी डाउन होने लगती है या फिर इसका कंटेनर भर जाता है तो ये फटाफट अपने चार्जिंग डॉक पर जाता है जहां पर ये चार्जिंग लेता है और अपने कंटेनर को सेल्फ एम्प्टी करता है, यानी कि इसमें कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो काफी ऑटोमेटेड रहता है इस तरीके का गैजेट जो कि फ्यूचर में हो सकता है आपको काफी सारे देखने को मिले जल्दी। नंबर 6, GTS 2। दोस्तों, अगर आप Amazfit की स्मार्ट वॉचेस पसंद करते हैं तो ये वॉच आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों, इसकी खास बात ये रहती है कि इसकी डिस्प्ले काफी साइज में बड़ी रहेगी जिससे कि व्यू एंगल काफी जबरदस्त आएगा और लुक वाइज भी ये दिखने में बहुत प्यारी लगती है। यहाँ पर आपको प्लैटिनम फिनिश, गोल्ड फिनिश और प्योर ब्लैक कलर देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर ये होती है पूरी तरीके से वाटरप्रूफ वॉच जिसका इस्तेमाल आप अपनी स्विमिंग एक्टिविटीज में भी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड भी दे रखे होंगे जिनका आप इस्तेमाल कर पाएंगे। इसमें 24/7 हार्ट रेट मॉनिटरिंग सिस्टम दे रखा होता है और साथ ही स्लीप क्वालिटी मॉनिटर भी दे रखा होता है जो कि इसे खास बनाता है। इसकी बैटरी लाइफ लगभग 7 दिनों की होती है, यानी कि ये एक कमाल की बात रहेगी कि 7 दिन में आपको सिर्फ एक ही बार इसे चार्ज करना पड़ेगा। तो अगर आपको पसंद आई हो ये स्मार्ट वॉच तो इसे फटाफट दोस्तों एक लाइक तो मिलना ही चाहिए। नंबर 5, MYQ पेट पोर्टल। दोस्तों, अगर आपके घर में पेट है तब आप इस गैजेट का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये एक ऐसा डोर होता है जिसका इस्तेमाल आप अपने पेट को बाहर निकालने के लिए कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आपके पेट्स वगैरह बाहर घूमना चाहते हैं लेकिन आप उन्हें घुमाने के लिए तैयार नहीं होते कि कौन जाए गेट खोलने, तो ऐसी सिचुएशन में आप उनके लिए प्राइवेटली गेट को ओपन कर सकते हैं इस छोटे से गैजेट की मदद से। इसमें आपको एक बैंड मिलता है जिसे कि आपको अपनी पेट की हार्नेस पर लगा देना होगा, जिसके बाद जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन से डोर को अनलॉक करते हैं और आपका पेट इस पर जाता है तो फौरन इसके डोर अनलॉक हो जाएंगे जिससे कि एक होल बन जाता है जिससे कि आपका पेट बाहर जा सकेगा। तो इस तरीके का कमाल का गैजेट रहता है जो कि आपकी मेहनत को बचाता है और कहीं ना कहीं आपके पेट के मजे होते हैं बार बार बाहर जाने को जो उनको मिलेगा। तो कैसा लगा है आपको ये गैजेट, बात हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। नंबर 4, मॉरीबॉट स्काउट।
दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों को एक ऐसा टॉय रोबोट देना चाहते हो जो कि उसे थोड़ा सा एडवांस बनाए और उनके अंदर प्रोग्रामिंग स्किल्स को डेवलप करे, तो ये गैजेट कुछ कुछ ऐसा ही होता है। देखने में तो ये एकदम नॉर्मल टॉय जैसा ही लगता है, लेकिन इसमें एडवांस एल्गोरिथम होते हैं जो कि इसे खास बनाते हैं। साथ ही इसमें AI डिटेक्शन का फीचर भी होता है, यानी कि अगर आप इसे इशारे देके अपने पास बुलाते हैं तो ये फौरन आपके पास आएगा। वहीं दोस्तों, इसमें ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस जैसे एडवांस सेंसर्स भी लगे होते हैं जो कि इसे खास बनाते हैं, जिससे कि ये टकराता नहीं है। साथ ही आप अगर चाहें तो इसे प्रोग्राम कर सकते हैं, जो कि बच्चों के लिए काफी बेहतर रहेगा, जिससे कि वो अपने अंदर प्रोग्रामिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो कमाल का इस तरीके का टॉय रहता है जो कि आपके बच्चों के अंदर रोबोटिक्स के प्रति कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जरूर पैदा कर देगा। नंबर 3, जेटबॉट 90। दोस्तों, अगर आप एक ऐसा ऑटोमेटेड क्लीनिंग रोबोट चाहते हो जो कि काफी बेहतरीन तरीके से अपने काम को करे और साथ ही आपको कुछ एडवांस फंक्शंस भी अवेलेबल कराए, तो सैमसंग की तरफ से आने वाला ये एडवांस वैक्यूम क्लीनर आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। ये एक तरीके का ऐसा रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर होता है जिसमें कि एडवांस एल्गोरिथम इनबिल्ट होता है, जिससे कि आप अपने घर की एकदम सिस्टमेटिक वे में क्लीनिंग कर सकते हैं। साथ ही इसमें एक छोटा सा कैमरा लगा होता है जिसका इस्तेमाल आप सेफ्टी पर्पस कर सकते हैं और अपने मोबाइल फोन से ये देख सकते हैं कि आपके घर के अंदर आखिर चल क्या रहा है। वहीं ये घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई करता है और जैसे ही इसकी बैटरी खत्म हो जाती है या फिर इसका कंटेनर भर जाता है कूड़े वाला, तो ये फौरन अपने चार्जिंग स्टेशन पर जाकर चार्जिंग देता है और अपने कंटेनर को खाली करता है। तो काफी कमाल का और ऑटोमेटेड रहेगा इस तरीके का गैजेट जो कि सैमसंग की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। नंबर 2, सोनी ब्राविया XR A80J 4K टीवी। टीवी के मामले में सोनी ब्राविया का तो कोई खैर जवाब ही नहीं रहा है, लेकिन अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की तो सोनी ब्राविया में जो टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है अदर ब्रांड्स उसके आसपास भी नहीं होती। तो ये टीवी भी कुछ ऐसी रहती है जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, जो कि OLED पैनल पर बनी होती है। इसमें XR चिप लगी होती है जो कि इसे एडवांस बनाती है, जहां पर आपको एडवांस क्वालिटी की पिक्चर फ्रेम्स देखने को मिलेंगे, जहां पर शार्पनेस आपको बहुत जबरदस्त देखने को मिलती है। साथ ही इसकी साउंड क्वालिटी भी कमाल की होती है, ये आपको डिटेक्ट करती है कि आप रूम के किस कोने में बैठे हैं। इसमें साउंड डायरेक्ट डिलीवरी होती है एकदम से, जो कि आपको डिटेक्ट करने के बाद डायरेक्ट आपके कानों पर पहुंचती है। तो काफी कमाल की टेक्नोलॉजी ये रहेगी। साथ ही इसमें एडवांस सेंसर्स भी लगे होते हैं जो कि लाइटिंग कंडीशंस के हिसाब से आपकी पिक्चर की ब्राइटनेस को खुद ब खुद ही एडजस्ट कर देते हैं। तो ये चीज भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रहती है सोनी ब्राविया में। तो अगर आप भी चाहते हैं इस टीवी की प्राइस जानना तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। नंबर 1, स्मैश स्मार्ट प्रोजेक्टर। दोस्तों, अगर आप अपने घर के लिए एक ऐसा एंटरटेनमेंट सिस्टम चाहते हैं जिसका इस्तेमाल आप अलग अलग कामों में कर सकें, तो ये चीज बड़ी ही कमाल की रहती है। दोस्तों, वैसे तो ये एक तरीके का प्रोजेक्टर होता है जिसका इस्तेमाल आप मूवीज वगैरह को एंजॉय करने में कर सकेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एलेक्सा का भी सपोर्ट दे रखा होता है, जिससे कि आप इसका इस्तेमाल आप एक म्यूजिक स्पीकर के तौर पर भी कर सकते हैं। साथ ही एलेक्सा होने पर आप इसमें ज्यादातर कमांड्स को वॉइस इनपुट दे सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको मोबाइल फोन से कंट्रोल भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर गेमिंग वगैरह आप कर रहे हैं तो मोबाइल फोन से कंट्रोल करने में काफी आसानी रहेगी। वहीं इसमें छोटी सी बैटरी भी इनबिल्ट होती है जो कि सिंगल चार्ज पर आपको 3 घंटों का वीडियो प्लेबैक देती है, लेकिन अगर आप सिर्फ इससे म्यूजिक सुनते हैं तो ये प्लेबैक टाइम आपका लगभग 30 आवर का हो जाता है। तो कमाल के फीचर्स के साथ लेस होने वाला है ये प्रोजेक्टर, जहां पर आपको एक छोटी सी डिस्प्ले भी दे रखी होती है, जिससे कि इसे कंट्रोल करना और भी आसान रहता है। तो अगर आपको ये गैजेट पसंद आया तो फटाफट मेरे को कमेंट करके जरूर से बताइएगा इसके बारे में। साथ ही वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर इनकी प्राइसिंग जानना चाहते हैं तो उनके बारे में आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे।